रिकॉर्ड तो नहीं किया ना। सिरसा शहर में जो जल भराव की समस्या है उसके निदान के लिए क्या कोई प्रोजेक्ट लाए गए? आप बिल्कुल, आज हमें 2 महीनों के बाद सफलता हासिल हुई है। डे वन से जिस दिन से मैंने ये कुर्सी संभाली उस दिन से मैंने माननीय सिरसा के विधायक श्री गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी व म्युनिसिपैलिटी के सारी टीम जिसमें कि एक्सीएन ईओ सब की एक मीटिंग बैठी थी डे वन कि आने वाली बरसात के से निजात पाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं। उसी के नाते ये प्रोजेक्ट विद एस्टीमेट रेडी किया गया था और अभी चंडीगढ़ पानी से काफ़ी निजात मिलेगी। किस तरह के प्रोजेक्ट है, कितने इस पर लागत आने वाली है और क्या क्या लाभ मिलेगा? जो ये स्टोरेज वाटर का जो एक प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट 28 करोड़ का है जिसमें कि आप मानेंगे कि हिसार रोड जो एरिया है वो अमरूद के अंडर उनमें पाइपलाइंस का काम हो चुका है। नियर अबाउट 200 फुट की कोई पाइप है जो कि हमें एनओसी NH-7 की जो एनओसी है हाईवे की जो एनओसी है वो हमें पेंडिंग में अभी है। जैसे वो मिल जाती है तो अमरूद का वो प्रोजेक्ट तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें शहर फाटक से इधर के शहर की तो ये प्रोजेक्ट यहीं लगेगा और जल्दी ही आपको कुछ बदला हुआ सिरसा दिखेगा। इस बार जैसे बहुत बिल्कुल 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 इस बार जो सिरसा हुआ उसे देखते ही, मतलब वो तो आज हुआ लेकिन हमने 2 महीने पहले इस चीज़ की प्लानिंग कर ली थी और जो कि आज हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिनका कि एक अहम रोल था और मैं धन्यवाद करती हूँ सिरसा के विधायक का श्री गोपाल कांडा जी का जिन्होंने पूरे अथक प्रयास किए और अपने एफर्ट्स किए जिसकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया।